हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीचा सब्जी क्लब में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग बताइएगा जरूर। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे आप लोग दोस्तों। अभी ये सोकर उठे दोस्तों, हम तो कब का ही सोकर उठ कर बर्तन धो लिए दोस्तों, झाड़ू कर लिए, गैस पोछ लिए, और अब जाकर ये सोकर उठे हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, नींद आता है दोस्तों, नहीं था ना नींद आता है। और हमारा बाबू अब देख सकते हैं दोस्तों, पीछे सोया ही है। देख सर, आप लोग कैसे हैं दोस्तों? हमें इंग्लिश पढ़ने आता है तो आप लोग कमेंट लिखते हैं, हम सब पढ़ नहीं पाते उतना ठीक से, थोड़ा कम आता है पढ़ने, तो आप लोग कृपया करके हमें हिंदी लिखा करें, हिंदी पढ़ जाते हैं। माफ कर दीजिए आप लोग, कमेंट इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं अभी, और उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते, और फिर कमेंट पढ़ लेते फिर इंग्लिश। तो दोस्तों आज देखिए निशा बनाने वाले, कुछ स्पेशल बनाने वाले दोस्तों, तो ब्लॉग पर बने रहिएगा, कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। आपको अच्छा लगता है जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं? क्यों ठीक लगेगा, चाहे हम बनाएंगे। बहुत दिन बाद खाने वाले हैं, तो कम से कम एक साल बाद खाने वाले। एक साल बाद ना ही, आगरा में तो बनाए थे आप लोग। 7-8 महीना हो गया दोस्तों, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आगरा जरूर देखना वीडियो, आगरा जो घुसता है कौन से महीना में आगरा तो घुसता है दोस्तों, उस टाइम बनाया जाता है दल पूरी। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग पर बने रहे दोस्तों। रात में ये कर दिया था, फूलने दे दिया था दोस्तों, इसलिए कि हमारा कुकर थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, तो सीझता नहीं। जल्दी जल्दी बोलो। तो अभी से हम सारा चना का दाल इसमें डाल के दोस्तों थोड़ा उबाल देंगे। तो चलिए ब्लॉग पर। हेलो दोस्तों, देखिए नज़ारा, मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश का मौसम है, मौसम आज बारिश होगा दोस्तों, बारिश कम होगा। देखिए हमारा बाबू क्या कर रहा है, सो कर उठा गोदी में लटक जाता है डायरेक्टली रोज रोज। क्या तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बोल बोल दो बेटा, गुड मॉर्निंग दोस्तों बोल दो, गुड बाय ना नहीं बोले तो। देखिए सिलवट्टा में मसाला पीसे जा रहे हैं, क्या क्या पीसिए बताओ। गोलकी जीरा लहसुन मिर्चा, कुछ नहीं देख सकते दोस्तों, ब्लॉग पर इसमें पड़ता थोड़ा देखती है, मगर रहना है जल कर दे दिए थोड़ा, और दोस्तों ये स्वाद बहुत अच्छा लाता है। हम देखिए नमक दे देते हैं, नमक दोस्तों इसमें दे चुके थे और हल्का दे दिया। देखिए दोस्तों हमारा दाल देख सकते हैं, ये सीज गया दोस्तों, और इसका पूरा पानी सूख गया दोस्तों, तब इसे थोड़ा दोस्तों मिक्सी में पीस देते हैं, ये हल्का महीन हो जाएगा तो अच्छा लगता है काफ़ी खाने में। ये दाल गोटा गोटा फिर लगेगा ना खाने में, तो उतना टेस्ट नहीं लगता है। तो चलिए अब हम मिक्सी निकालते हैं पीसने के लिए। देखिए दोस्तों हमारा तेल डला गया है, तेल समाप्त हो गया है जी। देखिए दोस्तों ये दाल वाला कट गया है, जो छूटा नहीं है, पूरा एकदम जल रहा है, ये दाल को भूंजेगी दोस्तों। दोस्तों देख दोस्तों हमारा प्याज मिर्ची भुंजा गया है हल्के, और देख सकते हैं वो ये भुंजा गया है, और इसमें अब हम चिकन मसाला डाल देते हैं। देखिए दोस्तों ढाल दे, अभी से ढाल देते हैं, पापा से मांगे उठा। तो चलिए दोस्तों इसे भूंज लेते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों ये अच्छे से भुना गया, देख सकते दोस्तों इसका कलर दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता नहीं चल रहा दोस्तों, क्या इसमें लाइट हल्का कटी हुई लाइन कटी हुई है ना, इसलिए देख सकते दोस्तों। ऐसे तो हमें दोस्तों बहुत ही सुंदर कलर इसकी दिख रही है, देख सकते हैं आप दोस्तों। तो चलिए ये हमारा भुंजा गया अच्छे से, अब हम चलते हैं इसे निकालने के लिए। देखिए दोस्तों ये ऐसे करके चुकड़ी बना दिए हम, और इसमें अब दाल भर देंगे दोस्तों। इधर तेल गरम हो रहा है दोस्तों, इधर तेल गरम, देखिए दोस्तों कढ़ाई चमका दी है दोस्तों, और ये बहुत डांटते हैं कढ़ाई जलने से। देखिए दोस्तों ऐसे बनता है दोस्तों दाल पूड़ी, दाल
देख सकते देखना भैया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे थाप के छानेंगे दोस्तों तेल। हे बेटा आई लव यू। मुस्की मार के जे बोलो सजनावा करे जा में उतार जा। बोल दिए तो बड़ा थोड़ा फैला देते हैं ऐसे जा अच्छा से सीजेगा दोस्तों। इतना गोईठा रहेगा तो थोड़ी देखिए दोस्तों अभी से हम तेल में ढाल रहे हैं। देख सकते दोस्तों तेल एकदम छना बन गया। लिट्टी खाना बेटा दो पाँच मिनट पकने देंगे दोस्तों तो जाके एकदम अच्छे से धीमे धीमे आँच में ये अच्छे से सीजेगा दोस्तों तो खाने में भी मजा आता है और अच्छा से नहीं सीजता तो ये खाने में एकदम। तो देखिए दोस्तों अब ये हो गया है इस तरफ का। अब इसको पलटेगा नीचा पलटाइए दोस्तों। देखने में तो टेस्टी है खाने में कैसा लगता है ये खाकर बताएंगे दोस्तों। किनको किनको खाना दस पूरी दोस्तों आइए हम बना देते हैं। गया दोस्तों इधर दूसरी तरफ हो जाएगा तो तैयार हो जाएगा दोस्तों। एक तरफ हो गया तो दोस्तों देखिए एकदम फूल गया है फटते जा रहा है फूल फूल के। देखिए दोस्तों कितना ये एकदम मन से एकदम सीख चुका अच्छा सी जाए ना जी तभी से निकाल दे। हाँ निकालेगा दोस्तों ज़्यादा लाल हो जाएगा दोस्तों तो अच्छे नहीं लगता जला जला टाइप में लगता है देखने में भी रखा है। अभी आपको खाने का मन कर रहा है सिल्वर कलर है ना सिल्वर कलर वो कलर मतलब क्या बोलता है गोल्डन कलर हो गया दोस्तों एकदम तरह से कचौड़ी रहना चाहिए दोस्तों ये दिख रहा है वैसा देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा सारा लिट्टी बन के तैयार हो गया देख सकते हैं। देखिए दोस्तों हम नहा भी लिए तैयार भी हो गए चलिए अभी ऐसे ही अपनी वीडियो एंड करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबा देना।